चढ़ाने के संदर्भ में हुआ था कि कुछ प्लेटलेट चढ़ाई गई, उसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ी और दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में सीएमओ ने ये जांच करवाई, जांच में कुछ कमियां पाई गई जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। तब तक सील किया गया है जब तक कि इनके जो अभिलेख हैं या जांच चल रही है उसके बाद। पूर्ण रूप से जांच होने के बाद इसको बताई जाए। पर कहा जा रहा है कि जो ब्लड ले आया गया था उसमें एसआरएन की पर्ची थी, एसआरएन के थ्रू आया था, उसको भी क्या जांच का विषय है कि नहीं? बिल्कुल जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है। एसआरएन से आया जा रहा है तो जी, ये कहने की बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये जांच का विषय है, ये इसके लिए जो है हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी। उसके लिए शायद वहाँ पे एफआईआर कराया गया है कंप्लेनेंट द्वारा, तो वो जांच होगी। और तब तक जब तक जांच चल रही तब तक ये बंद रहेगा। अगर जांच में ये निर्दोष पाए जाएंगे तो खोल दिया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाएगा। जांच वहाँ भी जो एसआरएन से ब्लड आया उस पे भी जांच होगी, जो कि पर्ची लगाई गई थी। बिल्कुल हर जगह से जांच होगी, जो भी जांच होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी, हमारे द्वारा ये जांच नहीं होगी। और सारी जांचें जो हमारे प्रथम दृष्टा था उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि तब तक जांच, जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इस हॉस्पिटल को बंद कर रखा है। मेरा मोबाइल कौन लिया? फोटो किसने? आप क्या करेंगे भैया? उनकी फोन उनके फोटो खींच लो। रोहित एक और भैया मरीज के अटेंडेंट को फ्लैशलाइट दी गई। कहाँ से हमारी फॉल्ट है? जो ब्लड वो लेके आए वो ब्लड हमने चढ़ाया और पेशेंट के मरीज का अटेंडेंस को हमने बता दिया कि अब हायर सेंटर 19 तारीख को 17 को हमारे यहाँ से वो डिस्चार्ज हो गए। दो दिन के दौरान पे दो दिन के दौरान कौन सा प्लेटलेट उनको चढ़ाया गया और किस तरीके चढ़ाया गया, अब वीडियो हमने नहीं वायरल किया, वो राजू शर्मा नाम के एक व्यक्ति है उन्होंने वायरल किया।